पे वीडियो कौन कौन ऑन नहीं किया था? आदि देव अरिहान दुग्गड़ सभी सभी बेटा वीडियो ऑन कर लेना प्रेयर के टाइम पे, याद रखना है ना। और जब हम लोग स्टडी करेंगे, जब स्क्रीन शेयर करेंगे क्वेश्चन में, तब उस समय आप चाहो तो वीडियो ऑफ कर सकते हो। प्रेयर के टाइम पे रिकॉर्डिंग है, आपको हमेशा अपना वीडियो ऑन रखना होगा। ओके यस सर। यस सर, मैं तो पूरे 40 मिनट वीडियो ऑन नहीं रखता हूं। वेरी गुड बेटा, आप देखो हमारा सर परसों का क्वेश्चन नंबर 5 मोहन डिपॉजिट वाला समझ नहीं आया। वेट करो बेटा, वेट करो। इसकी शेयर हो रहा है ये बताओ। यस सर। यस सर। ओके शेयर हो रहा है। यस सर। यस सर। यस सर। एक्सरसाइज 1.1 कराएंगे ना आप। ओके चलो, अब हम लोग फिर से क्वेश्चन को करते हैं, इस बार सारा डाउट आपको क्लियर हो जाएगा, है ना। ओके तीर्थ, फर्स्ट क्वेश्चन क्या रीड करो। सर फॉलोइंग सर वो एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन ना। हाँ यस, देखो स्क्रीन पे क्या दिख रहा है वो बताओ ना, जो स्क्रीन पे दिख रहा है वो रीड करो आप। हाँ नहीं सर, स्क्रीन पे हाँ स्क्रीन पे यही दिख रहा है आपका, वो दिस पीसी वाला ही दिख रहा है डाउनलोड शो कर रहे। स्क्रीन पे क्या दिख रहा है सर? आपने वो ओपन नहीं कर रही है। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन 1 शो हो रहा है या नहीं ये बताओ। नो सर। नो सर। नो सर। वेट करो बेटा। सर स्क्रीन भी नहीं दिख रही है। रुक जा बेटा, रुक जा एक मिनट। स्क्रीन विजिबल है ये बताओ। यस सर। विजिबल है। यस सर। क्या दिख रहा है? फॉलोइंग नंबर लाइन शो द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस।
ओके ठीक है सर, हो गया सर इसमें अपन को ओके अब ये बताओ अब क्या दिखाई दे रहा है ये बताओ सर, आपने जूम कर दिए एक्सरसाइज 1.1। ओके ठीक है, मैं तो यही तो पूछ रहे थे बेटा, अब आपको एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन तो शो हो रहा है ना? यस सर, यस सर। ओके अब ठीक है बेटा, आप देखो फिर से देखो इस क्वेश्चन को, हम लोग करते हैं क्वेश्चन को, इस बार आपका कोई डाउट नहीं होगा। ओके फिर रेड फर्स्ट क्वेश्चन, फॉलोइंग नंबर लाइन शोज द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस एट डिफरेंट प्लेसेस ऑन अ पर्टिकुलर डे। सर अपन को जो ब्लैंक दिया है ना, जहाँ एरो दिया उसको लिखना है। ओके सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इज फॉलोइंग नंबर लाइन शोज द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। CO means ये बेटा डिग्री सेल्सियस है सेंटीग्रेड में, एट डिफरेंट प्लेस ऑन ए पर्टिकुलर डे। फर्स्ट क्वेश्चन, ऑब्जर्व दिस नंबर लाइन एंड राइट द टेम्परेचर ऑफ द प्लेस मार्क ऑन इट। ओके सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या होगा आपका बताओ, फर्स्ट क्या आपका ये राहुल टेम्परेचर क्या होगा बताओ? राहुल ये -6 के बाद ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका -7, ये हो गया आपका -8। ओके तो दिस वन इज -8 डिग्री सेल्सियस। क्या सेकंड आपका श्रीनगर? -5 -2। श्रीनगर देखो ये आप ये आपका है -1, दिस वन इज -2। ओके सर ये तो हो गया था कल, श्रीनगर का आपका -2। देखो कई बच्चों को कंफ्यूजन, इसलिए हम लोग इसको शुरू से कर लेते हैं। श्रीनगर आपका क्या था -2 डिग्री सेल्सियस। नाउ शिमला, ये आपका नेक्स्ट क्या है आपका? शिमला सेल्सियस है, शिमला आपका 5 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट आपका ऊटी का देखो, ये 10 के बाद ये क्या होगा 11, 14 डिग्री सेल्सियस। 14 means 14 degree Celsius. So ये आपका ऊटी का क्या होगा आपका? Okay, 22 होगा बेंगलुरु। ये आपका 22। Sir 22। Sir 22 degree Celsius. Sir 22 degree Celsius. Sir आप exercise solution group में send कर देंगे? क्या आपको पता है जब पहले साथ? ओके किसी को कोई डाउट है इस क्वेश्चन में? नो सर, नो सर। गुड, देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नो सर। ओके और नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए तन्मयता रीड क्वेश्चन नंबर बी। यस सर। यस, व्हाट इज द टेम्परेचर बिटवीन द हॉटेस्ट एंड द कूलेस्ट फिश among the above? Oh very good, so hottest means maximum temperature. ये आपका जो right side है, ये जो आपका right side है, this one is a maximum temperature. Maximum. So maximum means what? Hottest. This one is hottest. Hottest. Now ये this one is left side. Left side. कोल्डेस्ट मीन्स मिनिमम। ओके सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, हॉटेस्ट और कोल्डेस्ट के बीच हॉटेस्ट क्या होगा बेटा? तो हॉटेस्ट के लिए देखो, अगर आप हॉटेस्ट देख रहे हो
तो दिस वन इज अ हॉटेस्ट. सो व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ बेंगलुरु? 22 degrees Celsius. Now, Celsius. अपना कोल्डेस्ट पे आप आ जाओ. तो कोल्डेस्ट के लिए सबसे कोल्डेस्ट आपका क्या होगा बताओ? लाहौल स्पीति. ओके, 10 degrees Celsius. कोल्डेस्ट का 10 नहीं है बेटा, आप अच्छे से काउंट करो और देखो क्या है उसका. -8 degrees Celsius. यस, ये आपका हो गया -6, ये हो गया आपका -7, और ये जो आपका है ये क्या है आपका -8 degrees Celsius. तो लाहौल स्पीति का क्या आंसर आपका? -8 degrees Celsius. तो आप आंसर में कैसे लिखोगे इसे? आंसर अगर आपको लिखना है इसका, आंसर में सिंपल आप क्या लिखोगे? 22. सो मैक्सिमम टेम्परेचर मींस व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस, है ना? देखो आप इसका आंसर में ऐसे लिखोगे बेटा, टेम्परेचर डिफरेंस दिस इक्वल्स मैक्सिमम माइनस मिनिमम टेम्परेचर. क्यों हम लोग निकाल रहे हैं? क्योंकि ये पूछ रहा है क्वेश्चन में तो व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस. तो डिफरेंस मींस क्या होगा आपका? मैक्सिमम में मिनिमम जाएगा. तो मैक्सिमम टेम्परेचर क्या है आपका बताओ? 22 डिग्री सेल्सियस. माइनस मिनिमम टेम्परेचर क्या बताना? -8 degrees Celsius. वेरी गुड. सो अब आप गौर से देखो, अब आप तो ये आपका माइनस एंड माइनस, जब भी माइनस माइनस मल्टीप्लाई होता है तो वो प्लस होता है. क्या हो जाता है? वो प्लस होता है. तो आंसर 22 degrees 8 degrees Celsius. दिस इक्वल्स 30 degrees Celsius. Okay, so is it clear for all? सभी को clear है? Yes, sir. कोई doubt है बेटा ये बताओ? No, sir, no doubt. Okay, आप स्क्रीन शॉट ले लो या कॉपी में लिख लो, जैसा भी करो आप. कैसे कर रहे हो? स्क्रीन शॉट ले रहे हो क्या इसका? सर मैंने रिकॉर्डेड वीडियो देख लिया. ओके बेटा. ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. सर मैं दोनों कर दूं. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन. तानी नेक्स्ट क्वेश्चन को एक्सप्लेन करो आप. क्वेश्चन नंबर सी. व्हाट इज टेंपरेचर? सर मेरी कॉपी में नहीं लिखा है अभी, वो आप दिखाओगे तब लिखूंगी. ओके बेटा, मैं इसका नोट्स भी भेज दूंगा. व्हाट इज द टेंपरेचर? हां यस यस तानी कंटिन्यू. व्हाट इज द टेंपरेचर? What is the temperature difference between Lahul Spiti and Srinagar? Okay, so anyone want to solve Srinagar or Lahul? Okay, Tani, can you solve this question with the help of annotation? Arihan Duggar, don't write anything, okay? Sir, can I? Yes, sir. Arihan Duggar, Tirth Baradia, don't write anything. Tani, beta, annotation use karo aur ise solve karne ki koshish karo. क्या अगर एनोटेशन यूज कर पाओगे तो आप बोर्ड में लिखो और सॉल्व करो इसे. सर लाहौल स्प्रिट -8 degrees Celsius. हाँ देखो इसे आप. श्रीनगर -2 degrees Celsius. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लाहौल स्पीति एंड श्रीनगर? तो डिफरेंस हम लोग कैसे? और क्वेश्चन में पूछता है इन दोनों का डिफरेंस. हाँ तो डिफरेंस इक्वल टू क्या होगा आपका? मैक्सिमम माइनस
माइनस मिनिमम टेम्परेचर। तब आपका मैक्सिमम टेम्परेचर क्या है बताओ? -2 डिग्री सर, -8 डिग्री सेल्सियस। देखो मैं एक आपको हिंट दे रहा हूँ, है ना? आप इस हिंट को अच्छे से देखो। ये सपोज दैट ओके, ये अब आपका नंबर लाइन हो गया बेटा। ये क्या होगा आपका नंबर लाइन, ये आपका जीरो है, ये आपका राइट साइड है, नंबर लाइन राइट साइड है ना। तो राइट साइड हमेशा क्या होता है, याद है आपको? मैक्सिमम होगा, याद रखना। मैक्सिमम आपका लेफ्ट साइड है, ये कौन सा साइड है आपका? लेफ्ट साइड। वंशी का कुछ को बेटा लेफ्ट साइड में है, वंशी का क्या होगा बताओ? लेफ्ट साइड में हमेशा क्या होता है वो? मिनिमम, मिनिमम होता है। अब आपके पास में लेफ्ट साइड में देखो, आप गौर से देखते जाओ तो ये जीरो के बाद, चलो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ये आपका हो गया माइनस वन, -3, -4, -5 है ना, -6, -7, -8। अब आपका ये जो लाहौल स्पीति है, इसका इसका टेम्परेचर क्या आपका? -8 है, ओके। और श्रीनगर का टेम्परेचर क्या आपका? -2। तो अब मैं -8 और -2 के बीच का जो भी नंबर है उसको मान लो मैं थोड़ा इरेज कर दूं, है ना, इरेज कर दू, मीन्स -8 से और ये अब आपका कहा यहाँ तक जा रहे हैं, ओके। देखो मैंने इसे इरेज कर दिया, इरेज करने के बाद अगर मैं इसमें एक नंबर लाइन ड्रॉ करूं, मान लो मैं एक नंबर लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ इस तरह से, ये आपका एक ऐसा नंबर लाइन ड्रॉ हो गया, है ना। तो नंबर लाइन जब ड्रॉ हो गया बेटा, तो इसमें अब आपका क्या बन रहा है? इस साइड आपका क्या है? इस साइड कौन सा बताना, कौन सा पड़ गया आपका? राइट साइड। राइट साइड मीन्स ये जो -2 है, ये -2 किधर जा रहा है बताना, किसमें गया? ये मैक्सिमम राइट साइड, मैक्सिमम में। और ये जो आपका -8 है वो किससे क्लोज है बताना? मिनिमम में, ओके तानी। तो ये बताओ अब आपका कंफ्यूजन क्लियर हुआ कि -8 और -2 में -2 इज ग्रेटर देन -8? यस सर। सभी सभी का क्लियर हुआ या किसी को डाउट है इस क्वेश्चन में? सर क्लियर। ओके तानी, अब आप ओके तानी, अब आप सॉल्व करो बेटा, अब आप सॉल्व करो। सर माइनस, हाँ ठीक है, आप बताओ मैं लिखते जाऊंगा। मैक्सिमम में क्या लिखे बताओ? -2। वेरी गुड, ये अब आपका हो गया, ये अब आपका हो गया आपका -2 डिग्री सेल्सियस। वेरी गुड, ओके। और मिनिमम में क्या लिखे बताना? -8 डिग्री सेल्सियस। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप बताओ तानी। -+। वेरी गुड, ये किसका रिप्लाई आया है? ये मैं सर -+। यस, -2 डिग्री सेल्सियस प्लस 8 डिग्री सेल्सियस। देव जैन रिमूव करो मिनिमम। ओके, अब तानी नेक्स्ट स्टेप बताओ, आपके पास है -2 डिग्री सेल्सियस प्लस 8 डिग्री सेल्सियस, इसका रिजल्ट क्या होगा बताओ? -6 डिग्री सेल्सियस। इसको आप सिंपल ऐसे कर दो ना, ये 8 डिग्री सेल्सियस -2 डिग्री सेल्सियस ले लो, ये आपका 8 - 2 क्या आएगा बताओ? 8 - 2 क्या आएगा? 6 डिग्री सेल्सियस। तो आपका आंसर फॉर आंसर में क्या आया, आपका डिफरेंस क्या आया? 6 डिग्री सेल्सियस। कोई डाउट है इसमें? नो सर। ओके, नेक्स्ट चांस किसका? तीर्थ मेहता का नेक्स्ट चांस। ओके यस सर। स्क्रीनशॉट ले लियो इसका सर, मैंने लिखा हुआ है रिकॉर्डेड वीडियो से समझ। ओके गुड, नाउ नेक्स्ट चांस के लिए सर आपने तीर्थ मेहता बोला। तीर्थ मेहता रीड क्वेश्चन नंबर डी। कैन वी से टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टेकन टुगेदर इज लेस देन द टेम्परेचर एट शिमला? ओके, इसमें
इसमें सबसे पहले हम लोग श्रीनगर का टेम्परेचर लेते हैं, है ना। तो श्रीनगर का अगर आप टेम्परेचर श्रीनगर का ये आपका -1 या आपका -2, तो श्रीनगर के लिए क्या आ गया आपका -2 degrees Celsius, है ना। तो श्रीनगर का क्या हो गया आपका -2 degrees Celsius। अब नेक्स्ट क्या शिमला का आपका क्या होगा, ये 5 degrees Celsius। तो शिमला का हो गया आपका 5 degrees Celsius। अब क्या बोल रहा है कि टेकन टुगेदर का मतलब प्लस करो, आप क्या करो इसको प्लस करो। ओके, तो सॉल्व करो टेम्परेचर ऑफ -2 plus 5 is equal to 3 degrees Celsius। ओके, अब नेक्स्ट आपको क्या लेना, शिमला का टेम्परेचर लेना है ना। अब आप लो, अब आप इसके लिए क्या करोगे, अब आप शिमला का टेम्परेचर लो, तो टेम्परेचर ऑफ शिमला इज 5 degrees Celsius। शिमला दिस इक्वल्स सर, शिमला इज ग्रेटर। सो अब क्वेश्चन क्या कर रहा, तीर्थ एक्सप्लेन करो क्वेश्चन क्या कर रहा है क्वेश्चन डी में। श्रीनगर का टेम्परेचर देखना है ना। कैन वी से टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टेकन टूगेदर इज लेस देन द टेम्परेचर एट शिमला। तो देखो श्रीनगर और शिमला का जो हम लोग कंबाइंड टेम्परेचर लिए दैट इज 3 degrees Celsius एंड नाउ ओनली टेम्परेचर ऑफ शिमला इज 5 degrees Celsius। इट मीन्स टेम्परेचर ऑफ शिमला इज ग्रेटर देन द कंबाइंड टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला। नाउ इज इट ऑल्सो लेस देन द टेम्परेचर एट श्रीनगर। अब श्रीनगर का टेम्परेचर में आप देखो, श्रीनगर का टेम्परेचर क्या आ रहा है बेटा आप बताओ, -2 degrees Celsius। वेरी गुड, ये टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर दिस इक्वल्स -2 degrees Celsius। अब आपका ये रिजल्ट क्या आ रहा है, आप रिजल्ट देखो कि 5 degrees Celsius जो शिमला का टेम्परेचर है वो ग्रेटर है किससे, कंबाइंड टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला, ये आपका इससे ग्रेटर हो गया, ये आपको क्या हो गया इससे ग्रेटर हो गया। और अगर मैं शिमला का टेम्परेचर कंपेयर करूं श्रीनगर से, तो ऑल्सो अगर सिर्फ आप टेम्परेचर शिमला का लो तो ओनली टेम्परेचर ऑफ शिमला इज ऑल्सो ग्रेटर देन द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर, ये भी आपका क्या आ रहा है ग्रेटर आ रहा है। क्वेश्चन क्लियर हो गया सभी का, यस सर। ओके, नेक्स्ट है वंशिका। वंशिका क्वेश्चन अब आपको क्वेश्चन नंबर 2। ओके, रीड एंड एक्सप्लेन क्वेश्चन नंबर 2। यस सर, इन क्विज पॉजिटिव मार्क्स आर गिवन करेक्ट आंसर आर नेगेटिव मार्क्स आर गिवन इनकरेक्ट आंसर्स। द जैक स्कोर इज 5 सक्सेस राउंड वर 25 -5, -10, -15, and -10. What was his total at the end? Okay, explain this question. What is the meaning of question? सर हमें पॉजिटिव को एक इसमें लेना और नेगेटिव को एक इसमें लेना है और फिर कंबाइन करना। ओके, नाउ ब्लू इज ए पॉजिटिव मार्क्स। ओके, सो दिस वन इज ए पॉजिटिव मार्क्स, डोंट राइट एनीथिंग। हार्दिक जैन, दिस वन इज ए पॉजिटिव मार्क्स। ओके, पॉजिटिव मार्क्स और पॉजिटिव स्कोर 25, 15, and 10. So after adding 5 plus 5, 10. Sir, 50. Carry 1, 2, 3, 4, and 5. So this one is a 5. So positive score is 5. Now for yellow, this one is a negative. This one is a negative mass.
minus 5 and minus 10. So after adding minus 15 marks. Okay. So we will subtract. Total at the end. Okay. So total at the end means now you need total marks. Total marks. Marks at the end. This equals positive marks minus negative marks. 50 minus 50. Positive minus negative marks. Negative. So this equals 50 minus 15. 50 minus 15. 35. So this one is 35 marks. Is answer. So is it clear for all our students? Yes. Any doubt? Yes, sir. No, is no, no. Okay, next question ke liye chale, question number 3 ke liye. Yes, sir. Okay, beta. Dekho ye ab aapka question number 3. क्वेश्चन नंबर 3 किसे सॉल्व करना है बताओ? आदि जैन, रीड क्वेश्चन नंबर 3 एंड एक्सप्लेन क्वेश्चन नंबर 3. ओके आदि जैन. एट श्रीनगर टेम्परेचर वाज -5 डिग्री सेल्सियस ऑन मंडे एंड देन इज ड्रॉप्ड बाय 2 डिग्री सेल्सियस ऑन ट्यूसडे. व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर ऑन ट्यूसडे? On Wednesday, it rose by 4 degrees Celsius. What was the temperature on this day? So, at what is the meaning? Explain question. Yes, sir. At Srinagar, temperature was 5 degrees. Monday ko Srinagar mein minus 5 degrees Celsius tha. Aur Tuesday mein 2 degrees Celsius ho gaya. और वेडनेसडे में ट्यूजडे में 2 डिग्री सेल्सियस क्या हो गया? ड्रॉप का मतलब क्या होता है वो? और वो माइनस में चला गया. ओके सो व्हाट वाज द टेंपरेचर ऑफ श्रीनगर ऑन ट्यूजडे? सो एनीवन वांट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इन व्हाइट बोर्ड विद द हेल्प ऑफ एनोटेशन? यस सर. Can I? Okay, please solve this question. Yes, sir. Sir, temperature on Monday. Yes. Sir, board pe likha nahi raha mujhse. Sir, main batau answer. Matlab solution mein mujhse bolu. Koi annotation use karna chahta hai is question ko solve karne ke liye? Yes, sir. Can I? Yes, solve this question. Temperature on Monday. बोर्ड में कुछ लिख रहा है. अरियान डोंट राइट एनीथिंग. ओके कुछ भी मत लिखो बोर्ड में. सर 5 डिग्री सेल्सियस. सर मैं डिग्री नहीं लिख पा रही. कोशिश करो. सर मैं मुंह से बताऊं. ओके बताओ एक्सप्लेन करो तीर्थ. सर 7 डिग्री temperature on Monday is equal to -5 degree Celsius and temperature on Tuesday Srinagar dropped at 2 degree Celsius. Monday -2 degree Celsius is equal to
-5 degrees Celsius -2 degrees Celsius. So -7 + 4 = -3 degrees Celsius on Wednesday. ओके देखो इसे कैसे सॉल्व कर रहे हैं देखो इसे है ना इसको आप ऐसे ले लो बेटा ऐसे ले लो आप है ना इसमें आप इस तरह से ले लो ओके अब आप ये टेम्परेचर आप ले लो ये आपका क्या है ये जीरो लो ये थोड़ा सा रुकना एक मिनट आप इसको ऐसे ले लो सीधा ओके सुना दिस वन इज जीरो ये आपको क्या -1 -2 -3 -4 -5 स्पेस नहीं आ रहा एक मिनट रुक जाओ फिर से कर रहे हैं ओके ये अब आपका 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 और इस साइड आप ले लो ये आपका हो गया आपका 1 2 3 4 ये आपका टेम्परेचर लाइन है अब क्वेश्चन क्या आ रहा है श्रीनगर का टेम्परेचर At Srinagar temperature was -5 degrees on Monday. So -5 means ये अब आपका क्या होगा ये आपका Monday का temperature है. किस दिन का temperature ये आपका Monday का temperature है. Or -7. Then it is dropped by -2 degrees Celsius. ये drop कर रहा है. Drop कर रहा है means ये drop कर रहा है. ये आपका क्या कर रहा है बेटा ये drop कर दिया. है ना? Drop means temperature और down हो गया 2 degree means ये आपका क्या हो गया ये अब आपका किस समय आ गया ये अब आपका -7 degrees Celsius किस दिन हो गया Tuesday हो गया क्या हो गया ये Tuesday तो Tuesday का जो temperature जो आपका drop क्या हो कितना degree drop किया बताओ ये आपका 2 degrees Celsius माइनस वो ड्रॉप किया तो Tuesday का temperature क्या रहा था टोटल आपको क्या ये -7 degrees Celsius ओके अब आपके पास में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है कि व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर ऑन ट्यूजडे ट्यूजडे का आपका कितना है -7 degrees Celsius ये आंसर हो गया -7 degree ओके अब ये क्या हो रहा है इट रोज बाय 4 degrees Celsius वेडनेसडे तो 4 degrees Celsius में अब आप 7 में ना 4 जाओ तो ये आपका 1 2 3 4 -2 degree Yes, तो ये अब आपका वेडनेसडे ये अब आपका कौन सा टेम्परेचर हो गया ये अब आपको हो गया वेडनेसडे का टेम्परेचर वेडनेसडे का टेम्परेचर क्या है आपका -3 degrees Celsius सर मैंने इसमें -7 + 4 किया तो -3 आ गया ऐसा क्यों मिला वो भी सही है बेटा ये तो फिगर में भी दिख रहा है ना -7 में अगर आप रोज का मीन्स क्या रोज का मीन्स अब आपका टेम्परेचर हाई हो रहा है तो मैं यहाँ से इसको हाई में ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 आपका -3 में ये भी आपका सही है हर कोई भी मेथड लो डायग्राम है तो थोड़ा अच्छा समझ में आता है बिना डायग्राम का थोड़ा सा मुश्किल होता है क्वेश्चन सबको समझ में आया सॉल्यूशन इसका यस सर ओके नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन किसे एक्सप्लेन करना बताओ जल्दी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन समझ नहीं आता मोहन वाला नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए रेडी रहो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन ओके एनीवन मींस अरहम जैन Explain question number 4. Sorry, sir, can I? Yes, fast, beta. There is only 2 minutes. I will tell the solution. Sir, दोनों को plus करना answer है 1 और 6,000 1,200 और 6,000 1,200.
सर आपने एक्सटेंड करने बोले थे तो इसने पूरा आंसर बता दिया। देखो ये आपका प्लेन का जो हाइट है, ये प्लेन का हाइट क्या 5000 मीटर, ये क्या आपका 5000 मीटर, और ये सबमरीन है आपका 1200 मीटर बिलो, मींस ये जो आपका सबमरीन आया, ये सबमरीन इस ये जो वाटर सी लेवल है उससे बिलो कितना है, ये 1200 मीटर है। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा, व्हाट इज द वर्टिकल डिस्टेंस, वर्टिकल डिस्टेंस के लिए अब आप क्या करोगे बेटा, वर्टिकल डिस्टेंस को ये दोनों को आप ऐड कर दो, ये दोनों को जब आप ऐड करोगे ये आपका कौन सा हो गया आपका वर्टिकल डिस्टेंस। अरिहंत डुग्गड़ क्यों लिख रहे हो बेटा, 5000 प्लस 1200, वेरी गुड, जल्दी करो। तो क्या है आपका 6200, यस इट इज योर आंसर 6200, ये आपका आंसर आ गया। कोई डाउट है इस क्वेश्चन में किसी को? नो सर। ओके बेटा, नो सर। ओके सो नाउ सर आई हैव डाउट इन नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके तो अब टाइम नहीं, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। ओके थैंक यू, बाय बाय, बाय सर। ओके बेटा, बाय बेटा।